और थोड़ा सा अजीब सा हो गया, सॉरी थोड़ा सा हम वहाँ चले गए थे, आई हैड एन एमरजेंसी सो आई हैड टू गो, एंड हमें लाइव बीच में छोड़ना पड़ा, तो 10 ही मिनट का लाइव हुआ, ऑल दो काफ़ी हो गया था, 10 क्वेश्चंस के आंसर हम दे चुके हैं। सो अब जो लाइव आए हैं, अब हम रैंडम क्वेश्चंस के सवालों के जवाब देंगे, जो सही लगेगा हमें सवाल कि हाँ ये सवाल ज़रूरी है, ये सवाल रेलेवेंट है, इस सवाल के बारे में लोगों को पता होना चाहिए, उनके सवाल हम के जवाब देंगे, राइट। सो पहले 10 लोगों के सवालों के जवाब हम चुके हैं पिछली बार, सो अब रेलेवेंट सवालों के जवाब देंगे दोस्तों। तो आइए आइए आइए, पूछिए पूछिए पूछिए, और इसको लाइक ज़रूर करिए वीडियो को, थोड़ा सा एक इमरजेंसी हम हैंडल करके आ गए। देखिए जनाब, हॉस्पिटल में तो ऐसा ही होता है, इमरजेंसी आती है, हमें भाग के हैंडल करना होता है, राइट। सो नेक्स्ट डाउन 500 फॉर माइग्रेन इज़ गुड और बैड? इट्स इज़ बैड, माइग्रेन का इलाज पेन किलर नहीं होता, राइट। आई मीन इफ़ यू हैव टू टेक नेक्स्ट डाउन तो फिर बात ही क्या रही। सो आपको माइग्रेन को पहले समझना है, हैंडल करना है, आपको उसे अवॉइड करना है कि आपको दवा लेनी पड़े, राइट। ऑल दो बहुत दर्द हो रहा है तो कोई रास्ता नहीं है, तो फिर एक ऑप्शन फिर माइग्रेन का यही है कि दवाई लेनी पड़ेगी, तो नेक्स्ट डॉम इज़ वन ऑप्शन है ना, विच यू कैन टेक, बट इफ अगर वो बार बार लेनी पड़ रही है तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ गुड थिंग, इट्स अ बैड थिंग, ओके। बार बार यूरिन कैसे क्योर करें, बार बार यूरिन कैसे क्योर करें, ये क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्योर क्यों करना यूरिन को, क्योर यूरिन बीमारी थोड़ी है, राइट। फिर मैड टब, सर फैट फेस फैट कैसे कम करें? जसवंत जी, फेट फैस फेस में फैट तभी होता है जब शरीर में फैट होता है, फेस में फैट या पानी भरा होता है, सूजन होती है, वो सूजन आ सकती है आपको किडनी की बीमारी में। सो आपको देखना होगा कि बीमारी तो नहीं है। और दूसरी चीज़, ऐसा कोई कहता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ करने से फेस का या किसी भी बॉडी के एक एरिया का फैट कम होता है, तो वो आपको कर रहा है बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे सिर्फ फेस का फैट कम हो। भाई साहब फैट का करोगे क्या, ये बताओ, यहाँ का फैट जाएगा कहाँ, यहाँ का फैट जाएगा तो बनेगा तो एनर्जी ना, तुम्हारी बॉडी को तुम कैसे बोलोगे कि मेरे सिर्फ यहाँ वाला फैट इस्तेमाल कर भाई, पेट का मत कर, मेरे हाथ का मत करना, ऐसे बॉडी को नहीं बोल सकते आप। आपका टोटल फैट कम होगा, फेस का फैट तभी कम होगा। अगर कोई कहता है कि मैं सिर्फ फेस का फैट कम कर सकता हूँ, यही तरीका है और ये है और ये है और वो है, तो वो बकवास है, और वो इंसान को ना ही उसको कॉन्सेप्ट का पता है, ना ही उसको नॉलेज है, क्षमा। ओके, हाइट इंक्रीज 19 का वीडियो है सिद्धार्थ जी, 19, 20, 21 दोनों का वीडियो है, आप दोनों वीडियो देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2, और दोनों को फॉलो करिए, राइट। सर टाइट ट्रैप्स मसल में क्या करें? टाइट ट्रपेजियस मसल टाइट है, रिलैक्स करो, मसाज ले लो बढ़िया से, राइट। और क्या, मसाज से हो जाएगी, गर्म पानी से नहा लो, मसाज करा लो, मसल गेट्स रिलैक्स। अच्छी बॉडी के लिए कोई टिप दें प्रिंस जी, प्रिंस स्वाति, यार ये मेल बॉडी फीमेल बॉडी डिपेंड, चलो एनीवेज दोनों में ही सेम चीज़ है। एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज से बड़ी टिप कुछ नहीं है, आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए, रेगुलर एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज एंड कार्डियो दोनों ही ज़रूरी है। तो बस दिन में इस चीज़ की आदत डाल लो कि दिन में 2 बार एक्सरसाइज करनी है, सुबह सुबह उठते सार खाली पेट 10 मिनट का कार्डियो कर लो, स्ट्रेचिंग कर लो 5-10 मिनट का, शाम को एक्सरसाइज जिम विम जो भी करना है कर लो, या नहीं कुछ करना तो कार्डियो कर लो, थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो, उससे बेटर कुछ टिप नहीं है। रेगुलर एक्सरसाइज करिए, रेगुलर एक्सरसाइज से बड़ी कोई चीज़ नहीं है बॉडी बनाने में, ठीक है। वो अलग चीज़ है कैसे बनेगी बॉडी, वो फिर सीरीज देख सकते हो कौन सी एक्सरसाइज के लिए, राइट। थोड़ा हम रैंडम क्वेश्चन ले रहे हैं, एब्डोमिनल फैट का क्या करूं? एब्डोमिनल फैट भी वही फैट है दोस्त, आपके शरीर में ज़्यादा फैट है तो आपके शरीर को ही फैट कम करना पड़ेगा। अब मेरे खुद के एब्डोमिन में फैट है, मेरे खुद के साइड्स में फैट है, तो मैं टोटल बॉडी फैट कम करूंगा तभी वो कम होगा, बट उसके साथ मुझे एक जुर्माना दिया, क्या कह लें, एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि बहुत ज़्यादा फैट कम होगा तो आई एम क्वाइट टॉल, सो लंबे लोग बहुत ही ज़्यादा पतले होने लग जाते हैं, फिर घर वाले उनको पतले नहीं होने देते, और रोटी खा और घी और बटर, ऐसे नहीं। सो ये बहुत मुश्किल सवाल है, एब्डोमिनल साथ में प्रोटीन बढ़ाना, आपका मसल जब बनेगी तो फिर एब्डोमिनल फैट कम होगा, ये बात याद रखिए। मोबिलाइजेशन ऑफ फैट के लिए स्किपिंग करें, वो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है।
सर मेरे को खाना खाने के बाद भूख लगता है मेरे पेट में बहुत सालों से। बहुत अच्छी बात है, आप किस्मत वाले हो, आपका पेट में घपा घप घपा घप अगर सब कुछ हो रहा है मेटाबॉलिज्म, आप खाओ और खाओ। मैं कहूँगा जितना खाना खाओ, बस इतना है कि खाने को चूज़ करो, राइट, चूज़ द फूड विच यू वॉन्ट टू ईट, डोंट ईट स्वीट्स, डोंट ईट मीठी चीज़ें ज़्यादा, मतलब थोड़ी तो सभी खा सकते हैं, ज़्यादा नहीं खाना है। ज़्यादा आप खाइए फल फ्रूट, ज़्यादा आप खाइए वेजिटेबल, ज़्यादा आप खाइए सलाद, ताकि आपकी विटामिंस की रिक्वायरमेंट सारी मस्त ओवरलोडेड रहे, मस्त। यू मेट बी लोडेड विथ ऑल दीज थिंग्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइट, लीन प्रोटीन्स, ये सब ज़्यादा भर भर के खाओ, कोई दिक्कत नहीं, राइट। यही सबसे बड़ा बेसिक कैलरी काउंटिंग में सबसे बड़ा पॉइंट यही है, जब आप कैलरी काउंटिंग करते हैं, आप एक्चुअली कैलरी काउंटिंग अपनी 24 आवर्स की नहीं, अपनी इंडिविजुअल मील की करनी चाहिए। इस समय जो मैं खा रहा हूँ, इसमें ना ये नहीं देखना चाहिए कि कितने काब है, कितने वो है, ये देखना चाहिए कि इसमें बाकी का पूरा टोटल टोटल कितने परसेंट क्या है। खैर वो उसके में एक वीडियो आएगा, बस बताऊँगा आपको। ओके, ज़्यादा यूरिन, जड़ा यूरिन कैसे क्योर, जड़ा है कि ज़्यादा है, जड़ा यूरिन कैसे क्योर करें, मैन वेड़ा, ये जड़ा यूरिन क्या होता है जनाब, मुझे भी नहीं पता जड़ा यूरिन क्या है। How to increase memory? I am preparing for competitive exams. Sleep well. Neend is very important for memory. And most important tip for memory retaining is to put things. जो भी आप पढ़ रहे हो उसको अपनी short term memory से long term memory में डालने का तरीका यही है कि उसको repeatedly पढ़ना या उसका practice करना. Practice makes short memory into long memory. यानी एक बार आप कुछ सीख लोगे तो वो नहीं भूलोगे, एक बार बाइक चलाना सीख लोगे फिर 25 साल के बाद भी बाइक चलाओगे तो आएगी, वैसी ही वो चीज़ आप कैसे सीखोगे अगर वो उसको प्रैक्टिस करोगे। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो फिजिकली कर सकते हो तो करके देख लो, अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते तो पढ़ाओ किसी को। इफ़ यू टीच समथिंग टू समबडी तो वो पढ़ाने के टेक्निक में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगा। दैट इज़ द बेस्ट मेथड टू लर्न। इंक्लूड योर सेंसेस, अगर सिर्फ आप आँखों से देख के पढ़ रहे हो तो एक ही काम हो रहा है, विजुअल सेंस ही सिर्फ आपकी पढ़ाई कर रहा है। उसके साथ जब आप बोल बोल के पढ़ाई करते हो तो बोलते वक्त आपके कान सुनते हैं, सो आपकी आईज, आपके ईयर्स, ये दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। टंग के मूवमेंट के साथ आपकी थर्ड सेंसरी, तो तीन तीन सेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो आँख से देखिए, बोल के पढ़िए, कान से सुनिए, ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और पढ़ने के बाद, समझने के बाद उसको किसी को सिखा दो। ये चार चीज़ें आपने कर ली, एक बार कर ली और एक हाथ महीने के बाद फिर कर ली, ये बहुत ज़रूरी है। रिटेनिंग मेमोरी के लिए आपको उसको फिर देखना होगा, अगर फिर नहीं देखोगे तो नहीं याद आएगा। तो एक हाथ महीने के बाद फिर पढ़ ली तो वो आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, राइट। ओके, बीपी मशीन कौन सी लें, कोई भी ले लें, ओमरॉन की अच्छी होती है, बाकी तो मशीनें हज़ारों हैं, जापानीज़ मेड होती हैं, बस वो रिस्ट वाली मत लीजिए, छोटी वाली आम वाली लीजिएगा जो बड़ी आती है, राइट। और वो मोबाइल एप्लीकेशन ही पता चलता, सो प्लीज़ डोंट ट्रस्ट दैट। यूरिक एसिड का मेरा वीडियो देखिए डे मेहता जी, यूरिक एसिड बाय डॉक्टर एजुकेशन, उसमें बताया कैसे ECG, व्हाट्स द ECG ऑफ दैट पेशेंट। अच्छा, वो पेशेंट कुछ नहीं था, घबराहट हो रही थी पेशेंट को, और ब्लड प्रेशर सिस्टर बोलती 200 है, 200/100। मैं कहा बाप रे बाप, तभी तो मुझे जाना पड़ा भाई, मतलब ECG तो यहीं दिख गया था कि नॉर्मल है, बट 200/100 BP मैंने कहा जाना पड़ेगा। तो जाके देखा, मैंने खुद चेक किया तो BP था ही नहीं, 140/90 था। वो हो जाता है जब पेशेंट आता है उस समय घबराया होता है, उसी समय तुरंत आप BP चेक करोगे तो BP हाई आता है, फिर उसके बाद 10-5 मिनट बाद करोगे थोड़ी देर बाद कम आ जाता है। सो ये एक वाइट कोट हाइपरटेंशन है जो बहुत कॉमन है, इस पे वीडियो भी है मेरा, वाइट कोट हाइपरटेंशन देखिएगा जाके, राइट। सो ब्लड प्रेशर एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, जिसको नहीं समझे तो फिर आप बहुत बड़े स्ट्रेस में आ जाते हैं। कई लोग सिर्फ इसी चक्कर में कंसल्ट करने आते हैं कि सर मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता, कई लोग सिर्फ धड़कन के पीछे पड़े रहते हैं। आई मीन दीज आर गुड इंपॉर्टेंट थिंग। जितने भी लोग हैं जो 30-35 की एज के ऊपर हैं, उनको साल दो साल में एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराते रहना चाहिए। ग्लूकॉन डी आफ्टर वर्कआउट बिकॉज डूइंग मसल्स नीड ग्लूकोज, ग्लूकॉन डी आप ले सकते हो, कोई मनाही नहीं है, बट आप क्यों ग्लूकॉन डी लेना चाहोगे? मैं तो नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं इंजॉय करना चाहूँगा कुछ और, राइट। इंस्टेड ऑफ ग्लूकॉन डी आइसक्रीम खा लो, इंस्टेड ऑफ ग्लूकॉन डी एक अच्छा सा कोई मीठी शेक पी लो। आई मीन वाई वेस्ट योर
आई मीन अगर ग्लूकॉन डी ही लेना है, इतनी सिंपल शुगर लेनी है तो सिंपल शुगर इन्जॉय कर लो यार, है ना। आई मीन बेटर ऑप्शन तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है ऑब्वियसली, अगर वेट कम करना है। लेकिन अगर एक्चुअली बल्किंग कर रहे हो, बल्किंग में आप बोलते हो कि नहीं हमें कार्ब्स लोड, आपको शुगर लेना पड़ेगा, तो फिर ग्लूकॉन डी में कोई टेस्ट तो नहीं आता, मुझे तो नहीं आता, बाकी आपकी मर्जी है, ले सकते हो, मना ही नहीं है। बट अल्टीमेटली है कि अच्छे कार्ब्स चाहिए आधे घंटे के बाद। ओके, एंड एल ग्लूटामिन पे अलग से वीडियो आएगा जनाब। रिस्ट पेन हो रहा है, हैवी वर्कआउट उठा के पेन किलर खाया, कुछ नहीं हो रहा, प्लीज़ हेल्प। पहले आप हैवी वर्कआउट करना बंद करो, फिर उसके बाद उस रिस्ट, गरीब आपकी रिस्ट जो बेचारी कुछ बोल नहीं सकती, उसको रेस्ट दो। उसको चोट लगी है, वो कुछ नहीं बोल सकती, इसलिए दर्द कर रही है कि भाई साहब क्या कर रहे हो हमारे साथ। भैया इतना हैवी वेट क्यों उठाना है जो आपकी बॉडी अभी रेडी नहीं है, राइट। उससे आधा वेट उठाइए और बिना रेस्ट के रेपिटेशन मारिए। कितने पागल लोग होते हैं जो जिम में ऐसी सलाह देते हैं कि आप और वेट उठाओ, और वेट उठाओ। भाई साहब ट्रेनर नहीं बोलते उनको, पता नहीं क्या नाम दूँ, पागल लोग होते हैं दुनिया में। प्लीज़ रेस्ट दो उसको, इंजरी हो रखी है वहाँ पर, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी तो है ही। इससे पहले कि जॉइंट इंजरी हो जाए जो इररिपेलेबल है, जो ऐसी हो जाए कि भाई साहब अब आगे ज़िंदगी भर की ऐसी तैसी, उससे पहले संभल लो, रेस्ट दो उसको। एक बहुत पेन हो रहा है तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है आशुतोष जी। माई जर्नी फ्रॉम 12th टू नाउ, ये क्या बात हुई, 12वीं के बाद से मेरी जर्नी है, तो टोटली एक अलग वीडियो हो गया, आएगा बाद में, श्योर विल मेक अ वीडियो ऑन इट। ओके, अंकित पोरिया, मुझे ईसिनोफीलिया हुआ है पर अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। ईसिनोफिल्स आपके बॉडी के एंटी, मतलब मान लीजिए एलर्जी एंटी एलर्जिक कह लीजिए, तो एलर्जी जिसको होती है उनको, इनके ईसिनोफिल्स एक टाइप के सेल्स हैं जो फाइटिंग सेल्स हैं आपके ब्लड में, वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि एलर्जी से जब एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है तो वो ईसिनोफिल्स बढ़ जाते हैं, एनर्जी रिस्पॉन्स भी देते हैं और वो भी करते हैं। तो ईसिनोफिल्स हाई है तो इट पॉसिबल है आपके अंदर किसी प्रकार की एलर्जी है, एलर्जिक टेंडेंसी है, या एलर्जिक इन्वायरमेंट में आप चले गए हो। सो ईसिनोफिल्स के लिए बेसिकली हेमाटोलॉजिस्ट बेस्ट डॉक्टर होते हैं देखने के लिए कि भाई क्यों ईसिनोफिल्स ज़्यादा है। एलर्जी के लिए भी अलग से डॉक्टर होते हैं, एलर्जी क्यों ज़्यादा हो रहे हैं। बट अल्टीमेटली यू कैन चेक कि क्या एलर्जी है, किस चीज़ से एलर्जी है, राइट। कोल्ड का सलूशन बिल्कुल है अवतार जी, कोल्ड पे मेरा वीडियो देखिए, सलूशन के साथ प्रॉब्लम भी समझाया हुआ है पूरा फटाक। सिर्फ कोल्ड बाय डॉक्टर एजुकेशन वीडियो डाल दीजिए, उसमें सलूशन दिया है। सबसे अच्छा कोल्ड का सलूशन है पानी, और हाँ आप खड़े होके पानी पी सकते हो, कोई कुछ भी बोले और उल्टी सीधी बात की, खड़े होके भाई साहब लोग कहते हैं पानी डाइजेस्ट नहीं होता, मुझे तो कसम से हंसी आती है। देखिए जनाब डाइजेशन क्या होता है, पहले जाके उनसे पूछिए। डाइजेशन होता है कि कॉम्प्लेक्स चीज़ें ब्रेक डाउन होती हैं उनकी सिंपल फॉर्म में, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज डाइजेस्ट नहीं होता, ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म में है, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है, बात समझे। डाइजेशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स, एक आलू को तोड़ तोड़ के ग्लूकोज बनाना, उसको डाइजेशन बोलते हैं, राइट। वैसे ही पानी को तोड़ के कुछ नहीं बनाया जाता, पानी डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता। कि लोग बोलेंगे ऐसे पियोगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, वैसे पियोगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं होता है पगले लोग। एनीवेज बात समझे। सो प्लीज़ बिफोर बिलीविंग ऑन एनी बुलशिट वीडियोस, थिंक अबाउट इट लॉजिकली एंड रिसर्च, राइट। जैगरी इज बेटर देन शुगर, अगर कोई और ऑप्शन नहीं है, मतलब अगर आप शुगर लेना ही लेना है तो जैगरी इज बेटर देन शुगर, क्योंकि शुगर 100% शुगर है, चीनी मान लो जो सफ़ेद वाली है 100% के आसपास उसमें शुगर ही है और कुछ है नहीं, ना कोई विटामिन ना कुछ। जैगरी में 85-90% शुगर है और उसमें थोड़े विटामिन तो है, मतलब कुछ आयरन भी है। सो ऑब्वियसली शुगर से ज़्यादा बेटर तो गुड़ है ना, बट ऐसा नहीं है कि गुड़ बहुत ही खा सकते हो, इट्स ऑल अबाउट क्वान्टिटी, ठीक है। शुगर भी ले सकते हो 2-4 चम्मच दिन में रोज, और गुड़ भी खा सकते हो, दो जो ढेले बोलते हैं, व्हाटएवर यू कॉल इट, सो इट्स ऑल अबाउट क्वान्टिटी, राइट। अब आ रही है दिवाली, दिवाली में बोलोगे कि भाई साहब हम स्वीट खाएं कि ना खाएं, खाओ जी, मना किसने किया है, लेकिन क्वांटिटी देखनी ज़रूरी है। ऐसा है कि कई न्यूट्रिशनिस्ट आपको बोलेंगे कि कुछ नहीं होता, खाओ 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 खाओ, पर ये बात याद रखो, आज ये 2 महीने के बाद फिर उन्हीं का सीज़न शुरू होगा कि भाई साहब मोटे हो गए, अब आ रहे हमारे पास पतले होने के लिए। एनीवेज चलो देख भाल के खाइए, दिवाली पर वीडियो बनाऊँ क्या, खाने कौन सा खाना नहीं खाना, बनाता हूँ नहीं तो आप बोलो तो। एनीवेज
कोएंजाइम Q10 एंड PQQ बेनिफिट्स, इस पे वीडियो आएगा सौरभ जी, बट दीज आर ऑल्सो समथिंग लाइक एन गुड एंटी ऑक्सीडेंट, जस्ट सिमिलर टू ग्लूटाथियन या कह लीजिए एक विटामिन सी, तो इन सब के जैसे ये भी एक बड़े बड़े एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं. कोई एंटी ऑक्सीडेंट किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, सो ये होना एक अच्छी एडिशनल बेनिफिट है. ऑल्दो ये बहुत महंगी महंगी टैबलेट बना रखी हैं दुनिया में लोगों ने कि भाई आप ये खाओ वो खाओ, तो खा सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, बट ये सिर्फ ये खाना इलाज नहीं होता. राइट. हेलो सर, मेरी गार्डन में लखोटी जैसा शुगर गया, क्या क्या मेरे गर्दन में मेरी गर्दन में लखोटी जैसा सूख गया है, सूज गया है, क्या करें? एक बार दिखा दो महेश, सूज गया है ये क्या होता है, मतलब क्यों, क्या सूजा है, कितना सूजा है, वो बिल्कुल देखना. डेयरी प्रोडक्ट्स आर गुड फॉर एक्नी, नो प्रॉब्लम विद दैट. पता नहीं क्यों लोग ऐसा सोचते हैं. देखिए, इट्स नॉट अबाउट डेयरी प्रोडक्ट, इट्स एक्नी का रिलेशनशिप विद फूड इज़ नन, ये देखा गया है. ऑयली फूड खा लेने से या नहीं खाने से एक्नी नहीं होती. आपके अंदर अगर ऑयल बन रहा है फेस में, ऑयली फेस है, सो ऑब्वियसली गर्मी ज़्यादा बनेगी, क्योंकि गर्मी हो रही है फेस में. एसी में बैठा हूँ, एसी बंद कर दूँ और मैं बैठा हूँ, तो एसी में बिना एसी के मैं बैठा हूँ या बिना पंखे के बैठा हूँ, पसीने में लथपथ हो गया थोड़ी देर में, तो फिर एक्नी मुझे भी आ जाएगी. इसका मतलब ये थोड़ी है कि एसी गलती है या फिर टेम्परेचर पंखे की गलती है या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एक्नी होती है. वैसे दूध की वजह से एक्नी नहीं होती, कुछ खाने पीने से एक्नी नहीं होती. आप अगर हेल्थ के, आपको स्किन केयर नहीं आती तो एक्नी होती है. आपको स्किन केयर नहीं आती कि भाई स्किन मेरी ऑयली हो रही है, मुझे स्किन पे ऑयलीनेस नहीं रखना है, तो मैं देखभाल करूं दिन में. भाई साहब एक ही चीज़ तो है, अपने आप को तो देखोगे, है ना नादिया जी? और किसको देखते हो? सो अपने आप को देखो, चेहरे को देखो. अगर चेहरे पे ऑयलीनेस दिख रहा है तो उसे क्लीन करना ज़रूरी है. बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक है? अब वो डेयरी है, ऑयली चीज़ है, हैवी फूड है, कोई भी चीज़ खाने से आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो ऑयल ज़्यादा बन सकता है. इसका मतलब ये थोड़ी कि खाना खाना बंद कर दो कि ऑयल ये खराब है, कि ये लॉजिक है उसका, बात समझे?